डॉक्टर श्रीनिवास रोहिदास, कोल्हापुर से हूँ एंड मैं न्यूरोसर्जन हूँ और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में 2002 से करता हूँ। दिस इज कॉन्फ्रेंस वेयर वी आर ट्राइंग टू एजुकेट यंग न्यूरोसर्जन्स एंड यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स अबाउट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज जस्ट लाइक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसमें ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट का दर्द होता है वो बहुत कम होता है, ऑपरेशन की जगह की वजह से जो पेन होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए पेशेंट जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रीफर करते हैं वैसे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी भी प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें सर्जरी के बाद का पेन, पहले जो पेन होता है उससे बहुत कम होता है, तो वो कंफर्टेबल होते हैं, जल्दी हम उनको उठाते हैं, मोबिलाइज करते हैं और वो अपना रूटीन काम जल्दी शुरू कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अराउंड 27 कंट्रीज से डेलीगेट आए हैं और फॉरेन कंट्रीज, यंगस्टर्स भी आए हैं। उसमें हमने लाइव सर्जरी करके दिखाए हैं, वेरियस टेक्निक जो होते हैं उसके लाइव सर्जरी करके दिखाए हैं, एनिमल मॉडल पे भी सर्जरी सीखने के लिए उनको चांस दिया है एंड फॉर 3 दिन पूरा सुबह से शाम तक हमने उसके बारे में, हर एक टेक्निक के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, उसको हम कैसा प्रैक्टिस में शुरू करें इसके बारे में पूरे लेक्चर्स और डिस्कशन करके उसका पूरा नॉलेज यंगर जनरेशन को देने की कोशिश की है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मैल्कम पेस्टिन जी है। मेरे साथ हैं मेरे गुरुजन डॉक्टर निकोलस अंताओ, जो इस हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के मुख्य हैं। 1 साल पहले हमने इस हॉस्पिटल में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का एक डिपार्टमेंट शुरू किया है। उस डिपार्टमेंट का मकसद है मुंबई में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को फैलाना। ये अत्याधुनिक सर्जरी है जिस सर्जरी के माध्यम से और दूरबीन के माध्यम से बड़ी शस्त्रक्रिया की जाती है, जिसमें पेशेंट के कमर में छोटी सी 1-2 मिलीमीटर, कभी कभी 5 मिलीमीटर का छोटा सा छेद होता है और सारा काम दूरबीन से किया जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि शरीर की ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं की जाती है, गोश्त को काटा नहीं जाता है, हड्डी की चीरफाड़ नहीं की जाती है और पेशेंट को उसी दिन उसी वक्त आराम मिल सकता है, पेशेंट उसी दिन अपने घर जा सकता है, यानी इसे हम एम्बुलेटरी सर्जरी कहते हैं। और जैसे मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी जाना जाता है उसमें भी ये मिनिमली इन्वेजिव है, यानी एक से लेवल बढ़कर एक और है। ये शस्त्रक्रिया काफ़ी मेरे इंटरनेशनल डॉक्टर्स आए हैं जो मेरे खुद के स्टूडेंट रहे हैं। अभी जो जिसका टॉक चल रहा है डॉक्टर डैनियल हैंसन, ये मेरे यहाँ 2017 में सीख के गए थे। डॉक्टर शिडम मेरे यहाँ जो आई है टर्की से, वहाँ की न्यूरोसर्जन लेडी न्यूरोसर्जन है एक इस्लामिक कंट्री की, और वो बच्ची भी मेरे यहाँ 2018 में सीख के गई है। साउथ अफ्रीका से डॉक्टर शॉन वेंटर और अभी उनके स्टूडेंट, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं 2017-18 के दौरान। बाद में कोविड में तो सब कुछ आप जानते हो कि काफ़ी भंग हो गया। आज ये कॉन्फ्रेंस हम मुंबई में इसलिए कर रहे हैं ताकि मुंबई के डॉक्टरों को इस नई शस्त्रक्रिया का परिचय हो, शोकेस हो, और आज इस इंस्टीट्यूशन में 22 देशों से, फॉरेन देशों से डॉक्टर आए हैं सीखने और सिखाने के लिए, और तकरीबन 200 टोटल डॉक्टर्स जो स्पाइन सर्जन्स हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं, पेन के स्पेशलिस्ट्स हैं, ये सभी ने भाग लिया एज डेलीगेट्स, एज फैकल्टी। और एक जब बोलते ना कि एक विश्व स्तर पर एक जब इंफॉर्मेशन एक दूसरे से बहती है तो हम भी कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं। ये एक ऐसा कभी दुनिया में नहीं होता कि एक डॉक्टर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, हर डॉक्टर को आगे ही बढ़ते रहना है, नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है, नए पेशेंटों का फ़ायदा किस चीज़ से अच्छा हो इस पे ध्यान देना है। तो आज हमारा प्रयास है कि इस चीज़ को भारत देश में लाया जाए, इसको फैलाया जाए। हमारा देश इस चीज़ में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है और उस स्थान को आगे बढ़ाया जाए। आज डॉक्टर
युमजिन वा डॉक्टर आए थे साउथ कोरिया से, जिसने यूबी स्पाइन सर्जरी की प्रथम स्थापना की थी। आज उनके चेहरे, उनके मुंह से ये शब्द अच्छा लगता है कि डॉक्टर पेस्टन जी, आप और इस देश तो हमसे आगे हैं, तो हम और क्या बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को सुनने से हमको खुद को एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम जिस राह पे चल रहे हैं, उस राह पे मेरे देशवासियों का फ़ायदा होगा, मेरे शहर का फ़ायदा होगा, मेरे इस इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा होगा, और सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का फ़ायदा होगा, जिनको नॉर्मली स्पाइन सर्जरी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। आज वो सब चीज़ें सीमित हो रही है। जहाँ 10 दिन अस्पताल में पड़े रहना पड़ता था, खून के डब्बे लगे पड़ते थे, पेशेंट रोए पड़ता था, उसने वो मिनिमली स्पाइन सर्जरी ने 3 दिन पे ले आया। आज एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ने उस चीज़ को सुबह से शाम तक ले आया। कोई कोई ऐसी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जिसमें हमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पेशेंट को एक सिर्फ लोकल का इंजेक्शन देते हैं, जागते हुए पेशेंट से बात करते, पेशेंट गाता है ऑपरेशन थिएटर में। मैं बोलता हूँ चल आज मुझे मोहम्मद रफ़ी का गाना सुना, तो शौक़ से वो भी सुना देता है, और ऐसे हंसते गाते हुए भी पेशेंट की शस्त्रक्रिया हो जाती है। तो दुनिया बदल रही है हर चीज़ में। इंसान पहले चांद पे जा रहा था, अब मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा है, तो स्पाइन सर्जरी भी उसी तरह से आज मार्स की तरफ बढ़ रही है। हमसे आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, डाउन साउथ केरला से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, मुंबई का काफ़ी है, और गुजरात से काफ़ी है। तो पूरा इंडिया में कौन से, हर एक स्टेट में से कोई ना कोई आया है। कितने कंट्री से और कौन से कंट्री से? 20 प्रमुख कंट्री के नाम। प्रमुख कंट्री इज USA, देन साउथ अफ्रीका, देन इराक, कुर्बानिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, देन इराक, ईरान, काफ़ी लोग, तुर्की, जॉर्डन ऑल्सो। पूरे विश्व से तकरीबन 22 कंट्री के डॉक्टर यहाँ आए हैं, और ऑनलाइन काफ़ी डॉक्टरों ने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने को हमने जूम मीट से बुलाया, क्योंकि कोई कोई कंट्री से डॉक्टरों को इंडिया में आने को प्रवेश नहीं है, तो उन्होंने अपने टॉक्स जूम के माध्यम से दिए हुए। तो हमने फॉर्मेट ऑफ मीटिंग को हाइब्रिड रखा है, जिसमें कोई 20-22 फॉरेन डॉक्टर तो आए हैं जो पढ़ाने के लिए आए हैं, और सीखने के लिए भी काफ़ी फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं। तकरीबन 30-35 फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हैं जो सीखने के लिए आए हैं, और तकरीबन 25 और डॉक्टर ने जूम से वर्चुअल कॉल दिया है। और सीखने के लिए भी हम वो लोगों को रियल टाइम सर्जरी का, जिसे ऑपरेशन थिएटर से ये हॉल में वो देख पड़े, और एकदम हाईली क्वालिफाइड जूम टेक्निक्स LED वापर के ये सब एकदम क्लियर दिखा दिया, कैसा सर्जरी करने का है, कैसा केयर करने का है, कैसा प्रोटेक्शन करने का है टिश्यू का। और स्टूडेंट लोगों को जो नया वो सीखने को चालू करता है, उनको भी पोर्साइन कैडेवर से वो सिखा दिया। सर एक आखिरी सवाल, मुंबई अभी हेल्थ केयर हब, मतलब यहाँ पे अच्छे अच्छे सर्जरीज होती है, और अपने अस्पताल में भी बहुत अच्छे अच्छे सर्जरीज होती है, तो इस थर्ड कांग्रेस, वर्ल्ड कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस से क्या बेनिफिट होगा मुंबई के सिटीजन्स को, वो थोड़ा सा बता। ये तो हम वी आर वेरी लकी दैट आवर हॉस्पिटल हैज़ प्रोवाइडेड द फर्स्ट फैसिलिटी इन द सिटी ऑफ मुंबई regarding this, and we here at Holy Spirit Hospital consider Dr. Malcolm as the pioneer of this in India, and he has taken it not only all over India, that you see all his students are come now, they are become teachers, and also some foreign faculty which has come also, he has taught them over the last 7 to 10 years, and they have become faculty, and they are progressing very well in their country, and they are also telling about their experience and how happy the patients are, because this is just a keyhole surgery. Jaisa ki ko chota hole hota hai, a hole se ek 4.5 millimeter ka durbin dal ke dekh ke sab jo disc hai wo nikal diya, nerve ko protect kiya,
और रिकवरी एकदम फास्ट होता है। कारण खाली स्किन के ऊपर ही वो कट होता है, मसल को कुछ नहीं होता है। और ये भी स्टडी है, जैसा MRI करके देखा तो मसल को कुछ नहीं होला है और ये जल्दी हील होता है और जल्दी पेशेंट ऑन या गो टू वर्क। हॉस्पिटलाइजेशन में कम ज़्यादा दिन नहीं रहता, एक दिन क्या मैक्सिमम 2 days, डिपेंडिंग अपॉन जो प्रोसीजर काफ़ी टाइम लगा, वो उसको स्क्रू भी डाल के फिक्स करना पड़ा, वो प्रोसीजर के लिए थोड़ा 2-3 दिन रखता है फॉर प्रोटेक्शन। मतलब ये अगर इसको एंड करे तो ये सक्षम भारत और सशक्त भारत की और जाने वाला कॉन्फ्रेंस है। सही बात है सर, एब्सोल्युटली सही बात है। समथिंग विच इज गुड मस्ट गो एवरीवेयर, दैट इज इम्पोर्टेंट। Everywhere, not only the doctors have to learn it, but the final profit or advantage is for the patients. Their recovery time, their hospitalization time, their cost is all reduced, and they are up to work much faster. Please. Yes. We have had the proud privilege of hosting and partnering with the Endoscopic Spine Foundation for the 3rd World Congress on Endoscopic Surgery. This is one of a kind and cutting edge technology that will greatly benefit patients for the future. Most of us will remember when we were younger and anybody had a slip disc or a backache, they would be in the hospital for days on end with a traction and kept for weeks with that traction with the leg pulled. Today it's changed, and many people do open surgery to have people relieved of their symptoms and getting back to work quicker. This is one step ahead, where endoscopic surgery allows the patient's recovery to be very, very swift and allows them to be conscious during the operative procedure. This technique will undoubtedly be more popular with days to come, and Holy Spirit has hosted the first of its kind endoscopic spine surgery conference. So we're very thankful to the organizers, Dr. Malcolm Paystoneji, his group, his organizational capacity in dealing with this mega event, Dr. Nicholas Antao, head of department of orthopedics at Holy Spirit Hospital, who has helped him in having this this great event come to fulfillment. This is my 3rd time to India, and I've found that every time I come to India I learn a lot, and this conference has been similar to my other experiences, that I learn a lot. And the part that I take with me is not only the education and the knowledge that I gain, but also the experiences of being with my Indian friends and other people around the country, and also around the world that attend the conference. So I learned quite a bit. Yeah. What are your views on endoscopic spines? Surgery and all the other process and the overall experience? For me, endoscopic surgery has allowed me to treat a wider variety of conditions and to take care of a larger number of people with these different types of conditions in a way that allows me to make them better, but without the pain and the morbidity, shall we say, associated with a larger type of traditional style of spine surgery. The last question, how the conference benefited you and how it is? I kind of answered that before, but by attending this conference, I've increased my knowledge and also my ability to treat other types of problems that people have. Okay. Okay, one by one. Okay, sir, just elaborate your experience. First of all, my name is Professor Porn Pavit Sipirom from Thailand, Bangkok. And first of all, I would like to thank you, the Professor Dr. Malcolm, and particularly the Holy Spirit Hospital. Thank you, sir. That have me here. I not come to share my experience, but I come to learn. I start my endoscopic career by learn from the Indian surgeon and also the friend of mine in South Korea,
and I come back again. This is the first time for me, and I still get something, get some knowledge, and most of all, our friendship. And I think when I come back home, the things I learn how to do and how to prevention the complication, maybe I can use to teach my patient. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. My name is Dr. Çiğdem Mumcu from Turkey. I can say that the conference is amazing. Everything impressed me because Dr. Malcolm Pestonji and his team and this hospital, everything is very, very nice, very impressed me. Just I would like to thank you. Everything is fine.